मैं हूँ आपकी दोस्त मनीषा। आज हम बनाएंगे ठंडाई, क्योंकि शिवरात्रि और होली आने वाली है, उनका मजा ही ठंडाई से। अब पर हम ठंडाई बनाएंगे, वो भी बिना भांग के। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चलिए मेरी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन, उस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बनाते हैं ठंडाई। ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे। मैंने यह दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमारा दूध बॉईल हो गया है। अब दूध में 10 से 15 रेशे केसर के डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब दूध में 1 कप चीनी डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए केसर ने अपना कलर छोड़ दिया है, दूध येलो कलर का होना शुरू हो गया है। अब दूध को लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने देंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ठंडाई का पेस्ट तैयार करते हैं। मैंने ग्राइंडर के जार में 10 से 15 काजू लिए हैं, इसको 4 से 5 घंटे भिगो के रखे थे, अब वो डाल रही हूँ। 10 से 15 बादाम लिए हैं, इसको भी 4 से 5 घंटे भिगो के रखे थे, इसके छिलके उतार लिए हैं, अब वो डाल रही हूँ। अब 4 इलायची और 10 साबुत काली मिर्च, इसको भी 4 से 5 घंटे भिगो के रखा था, अब वो डालेंगे। 1 टेबलस्पून सौंफ लिए, इसको भी 4 से 5 घंटे भिगो के रखा था, अब वो डाल रही हूँ। सौंफ को पानी के साथ ही डाल रही हूँ, क्योंकि ग्राइंड करते टाइम भी हमें पानी चाहिए, इसलिए सौंफ को पानी के साथ ही डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून खसखस लिए है, इसको भी 4 से 5 घंटे भिगो दिया था, अब वो डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज लिए, इसको भी 4 से 5 घंटे भिगो लिए थे, अब वो डालेंगे। अब इन सबको ग्राइंड करेंगे। चलिए ग्राइंड हो गया है, देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट को दूध में मिक्स करते हैं। अब हमने गैस ऑन कर दिया है, 2 से 3 मिनट इसको चलाते रहेंगे ताकि पेस्ट दूध में मिक्स हो जाए। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, केसर से कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें हल्का येलो कलर भी डाल सकते हैं। चलिए हमारा पेस्ट मिक्स हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देते हैं। इसको फ्रिज में 3 से 4 घंटे रखते हैं, इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि ठंडाई का मज़ा ठंडा पीने में ही आता है। चलिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं, ठंडाई बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे, आप चाहे तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे जो फ्लेवर है, जो अरोमा बहुत अच्छी आती है। मैंने ठंडाई को छाना नहीं है, क्योंकि मेरा जो पेस्ट था बिल्कुल स्मूथ था, दरदरा नहीं था। अगर आप चाहें तो इसको छान सकते हैं। अब ठंडाई को सर्व करेंगे। मैं बादाम और केसर से गार्निश कर रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी नट से गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए हमारी ठंडाई रेडी है, बनाइएगा, सबको पिलाइएगा, त्योहार का मजा लीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हैप्पी शिवरात्रि एंड हैप्पी होली। थैंक यू।